अब बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देश भर में नए राज्यपालों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल सामने आई है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि नए राज्यपालों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सभी वर्गों के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा गया। जो अब तक नियुक्त किए गए नए राज्यपालों पर अगर नजर डालें तो साफ हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में राज्यपाल पद पर रिकॉर्ड संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नेताओं की नियुक्ति की गई। और यही नहीं, इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में महिला राज्यपालों की भी नियुक्ति हुई है। दो मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी मोदी सरकार ने राज्यपाल पद पर नियुक्त किया है। तो कुल मिलाकर देश भर में अगर आप देखें, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है ये जानकारी मिल रही है, कुछ ही दिन में ये होने वाला है, उससे पहले आज राज्यपाल की नियुक्ति भी हुई जिसमें ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल इसमें सामने आई है। और नए राज्यपालों की नियुक्ति में अगर आप नजर डालें तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सभी वर्गों के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने का पूरा ख्याल, पूरा ध्यान रखा गया। जो अब तक नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं उन पर नजर डालें तो साफ हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में राज्यपाल पद पर रिकॉर्ड संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नेताओं की नियुक्ति की गई। और यही नहीं, इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में महिला राज्यपालों की भी नियुक्ति हुई है। दो मुस्लिम बुद्धिजीवियों की भी मोदी सरकार ने राज्यपाल पद पर उन्हें नियुक्त किया है। इससे पहले थावरचंद गहलोत जो नाम सामने आ रहा था, जो कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं, वो भी देखिए एक बड़ा दलित चेहरा है, उनको राज्यपाल बनाया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एक तरीके से देख रहा है ये किस तरीके से जो पिछड़े जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, इन सबको शामिल किया गया है जब राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, महिलाओं को शामिल किया गया है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया, जो दिखा रहा है कि किस तरीके की रणनीति या सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास ये और सबका विश्वास, इस ये जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था वो 2014 से लेकर अब तक जितने राज्यपालों की नियुक्ति हुई है उसमें ये साबित हो रहा है। क्योंकि अगर महिलाओं की संख्या देखें, 8 महिलाओं को अब तक प्रधानमंत्री मोदी सरकार की, मोदी की सरकार ने राज्यपाल नियुक्त किया। इन 8 महिलाओं में मृदुला सिन्हा से लेकर नजमा हेपतुल्ला, द्रौपदी मुर्मू, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, अनुसुईया उनके, इन 8 महिलाओं में अनुसूचित जाति की भी हैं, अनुसूचित जनजाति की भी हैं, ओबीसी की भी नेता हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो एक 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 महिलाओं को तरजीह देने का एक अलग शुरुआत की थी, क्योंकि किसी भी पिछले प्रधानमंत्री के दौर में 8 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपालों के तौर पर कभी नहीं हुई थी। जहाँ तक SC ST और OBC की बात है, इन नेताओं को पूरी तरह से तरजीह मिली है गवर्नरों की, राज्यपालों की नियुक्ति में पूरे प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से अब तक के शासनकाल में। और आज जो थावरचंद गहलोत की नियुक्ति हुई, 8 बार के सांसद रहे हैं, बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं वो, साथ ही साथ नेता विपक्ष नेता सदन रहे हैं राज्यसभा के, अरुण जेटली के निधन के बाद। तो मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने पहले भी काफ़ी तरजीह दी, अब कर्नाटक का गवर्नर बनाकर उनको और ज़्यादा बड़ा पद दे दिया है। तो मुझे लगता है कि एक मिसाल कायम कर रही है मोदी सरकार, तमाम जातियों को, तमाम वर्गों को, तमाम धर्मों को, सबको एक साथ लाकर राज्यपालों का की नियुक्ति का मामला हो, चाहे मंत्रालयों में नियुक्ति का मामला हो, मुझे लगता है कि नया फेरबदल जो कैबिनेट में होने वाला है उसमें सभी वर्गों को और सभी जातियों को, मुझे लगता है ऐसे ही कोई काफ़ी तरजीह मिलने वाली है। और ये गवर्नरों की, राज्यपालों की नियुक्ति ने एक उस तरह की दिखाई भी है। और देखिए, 3 जाट नेता जो राज्यपाल के पद पर पहले सुशोभित हो रहे हैं, 2 तेलुगु राज्यपालों की नियुक्ति मोदी सरकार ने की है। तो कुल मिलाकर ये संदेश दे रहा है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर काम कर रही है सरकार। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ा था सबका विश्वास। और यही कारण है कि अगर हमारे नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की गवर्नर हैं 5 साल तक, एक ऐसा राज्य जहां पर बहुमत लाना मुश्किल होता है, जहां खिचड़ी सरकारें बनती नहीं, वहां उनकी गवर्नरशिप में 5 साल तक सरकार चली है, बीच में कोई उठापटक हुई भी है, तो उन्होंने काफ़ी उसको अपने राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए काबू में लाया। आरिफ मोहम्मद खान, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, काफ़ी नाम है उनका एक लिबरल मुस्लिम होने के नाते, वो केरल के गवर्नर बने हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अगर आप इसको उस मोहन भागवत के बयान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पिछले की मोदी सरकार ने इनका विश्वास, इस समुदाय का विकास विश्वास जीतने की भी कितनी कोशिश की है। और 2 मुस्लिम बुद्धिजीवी राज्यपाल के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं और उन राज्यों में अच्छा काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक SC ST OBC का मामला है, इन तमाम जो पिछड़े जो कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की को आगे लग के उत्थान की बात की थी प्रधानमंत्री ने, उसी कड़ी का हिस्सा है कि राज्यपाल
उन तबकों से लोगों को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी तबके के हों। और ओबीसी राज्यपालों में भी देखिए, ओबीसी को भी तवज्जो दी गई है, जहां पर रमेश बैस को